कच्चे केले का कोफ्ता, ये बनता ही बनता है हमारे साइड में, तो बहुत पसंद आता है ये, मतलब सब्जी में चेंज के लिए बनता रहता है। और इसके सबसे बड़ा अच्छा ये लगता है ना बनाने पे, कोफ्ता तो हम बनाते हैं ग्रेवी वाला, जैसे कि आप चावल के साथ खाएंगे, रोटी नान पराठा सबके साथ अच्छा लगता है, लेकिन जब ये फ्राई करके आता है जो उसमें ग्रेवी में डालने के पहले, तो आधा से ज्यादा तो हम लोग ऐसे ही खा के खत्म कर देते थे। तो अगर आप बना के इसको चाय के लिए भी रख सकते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। आज वही रेसिपी मैं आपके साथ लेके आई हूँ, तो चलिए फिर रेसिपी की शुरुआत करते हैं। कच्चे केले का कोफ्ता बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कच्चा केला, तो मैंने 500 ग्राम कच्चा केला लिया हुआ है। अब इसको हमें कट करना है, मतलब पहले कट करके हमें बॉयल करना है। तो उसको कैसे करेंगे, जैसे किनारे का निकाल देंगे और इसको दो टुकड़े में कर देंगे ऐसे। तो ऐसे ही पहले केले को काट के तैयार कर लेते हैं। कच्चे केले तो कट चुके हैं, अब इसको हमें बॉयल करना है, तो बॉयल हम कुकर में करेंगे ताकि बड़े जल्दी हो जाएगा। तो मैंने पानी डाला हुआ है, अभी केला डालने के बाद से फिर देखेंगे अगर और पानी जाएगा। इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, जैसे जो अभी डालेंगे केला तो वो डिप होना चाहिए, उतना ही पानी लेना है। अब इसे ढक्कन लगा के बस एक सीटी हमें ले आना है, तुरंत गैस बंद कर देंगे, क्योंकि केला जो है बहुत जल्दी पक जाता है। जब तक ये केला उबल रहा है तब तक क्या करते हैं, हम ग्रेवी की भी तैयारी कर लेते हैं। तो उसके लिए पहले हमें प्याज को फ्राई करना है, तो मैं पूरी जो रेसिपी बनाऊंगी सरसों के तेल में बनाऊंगी। तो थोड़ा सा एक से दो चम्मच तेल को गर्म कर लेंगे और उसमें एक छोटा चम्मच साबुत जीरा ले लेंगे, कुछ लहसुन छिले हुए ले लेंगे, और प्याज मैंने 5 से 6 लिया हुआ था, जितना क्वांटिटी में केला है उसी हिसाब से 5 से 6 बड़े साइज का प्याज मैंने ऐसे रफली चॉप कर दिया है। प्याज को जल्दी पकाने के लिए थोड़ा सा इसमें नमक डाल देंगे और इसको चला के ढक के हमें कम से कम 4 से 5 मिनट तक इसको पका लेंगे। प्याज जो है बन गया है, मतलब एक तरह से पक गया है, इसको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। जैसे ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, जूसी हो जाए, गैस को बंद करेंगे और इसको ठंडा करके एक बढ़िया सा पेस्ट बनाएंगे। और जो हमने केला चढ़ाया हुआ था वो भी बॉयल्ड हो गया है, जब तक उसका स्टीम निकलता है तब तक इसका पेस्ट तैयार कर लेते हैं। प्याज को भुनने के बाद से इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। अब चलते हैं एक बार केले को देख लेते हैं, जब स्टीम निकल जाए तभी खोलें कुकर को। एक सीटी में बड़े आराम से हो जाता है केला। तो केला जो है पक गया है, अब इसको क्या करेंगे, हम किसी प्लेट में निकाल लेते हैं। पहले केले को निकालने के बाद से क्या करेंगे, हमें इसको छील लेना है। तो अभी गर्म है लेकिन इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगता है, तो जो इसका छिलका होता है ये छोड़ दिया है, तो जैसे ही हम पकड़ेंगे छिलका इसका निकल जाएगा। गर्म है तो थोड़ा संभाल के इसको पहले छील के तैयार कर लेते हैं। केले को मैंने छील लिया है, अब इसको मैश कर लेंगे, तो चम्मच से या फोर्क के सहारे से मैश करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा सा गर्म है ये। अब इसी में डाल देंगे बेसन, क्योंकि हमें इसकी बाइंडिंग की जरूरत पड़ेगी केले को जब हम बनाएंगे उसका रोल। तो 2 चम्मच बेसन ले लेते हैं। अब इसी में डाल देंगे 1 चम्मच चावल का आटा, जिसे जो हम स्टार्टर में जब खाएंगे तो थोड़ा ये क्रिस्पी रहेगा। चुटकी भर हींग ले लेंगे, 1/4 चम्मच ले लेंगे अजवाइन, साबुत अजवाइन जो डाइजेस्टिंग में बहुत अच्छा रहता है। बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे, मिर्ची आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं। हल्दी पाउडर डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। मसाले का रेसिपी मैंने डाला हुआ है चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं होममेड मसाले का। स्वाद के हिसाब से नमक ले लेंगे, नमक ध्यान रखेंगे कि इसमें भी डालना है, जब हम ग्रेवी लगाएंगे तो उसमें भी जाएगा, तो उसी हिसाब से नमक डालेंगे। अब इसे हाथों से अच्छे से हमें मिक्स कर देना है, हाथों से ही करें तभी अच्छे से बन पाएगा। खूब अच्छे से इसको पहले मिला लेते हैं। अब ये हमारा मिश्रण जो है अच्छे से, बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे क्या करेंगे, पहले हाथों में जो है अपने उसको क्लीन कर लेंगे, और हाथों में अच्छे से हमें तेल लगाना है, तभी ये कोफ्ते का शेप में आ पाएगा। हाथों पे अच्छे से तेल लगा देंगे, दोनों हाथों पे बहुत अच्छे से लगाना है। अब इसके बाद से इसमें से ले लेंगे जितना बड़ा हमें साइज देना हो, तो नॉर्मल जैसे घर में हम लोग बनाते हैं वैसे ही बनाएंगे,
तो एक तो ऐसे गोल में भी बना के और इसको फ्राई करके हम कोफ्ते में भी डाल सकते हैं और इसको स्नैक्स में भी खा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि इसका शेप बदल देते हैं, देखने में जो और अच्छा लगे, कुछ गोल पीसेस भी कर देंगे, कुछ ऐसे अंडाकार शेप में कर देते हैं। अब कोफ्ते तो ये बन के तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं इसको फ्राई करने के लिए। कोफ्ते को फ्राई करने के लिए तेल को अच्छे से गर्म करना है, तो मैंने सरसों का तेल ही गर्म किया है। इसमें ये रेसिपी बहुत अच्छी आती है बनके, तो इसमें डालेंगे, गैस जो है हाई फ्लेम पे रखेंगे और इसमें ध्यान देना है कि ज़्यादा बिल्कुल ये सब नहीं डालें, नहीं तो फिर ये चिपकने लगता है। तो पूरा गैप देख के जितना आ जाए, जैसे कि 2 से 3 या 4 ही, मैंने यहाँ पे 4 डाला हुआ है, बस इसको अच्छे से पहले सेक लेते हैं दोनों साइड से। बहुत जल्दी ये हो जाता है, तो गैस को हाई फ्लेम पे रखें और जैसे ही नीचे से एक तरफ से हो जाएगा तो इसको पलट देंगे और इसमें दूरी रखेंगे गैप बना के, तो इसको पलट देते हैं, दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। अब ये अच्छे से फ्राई हो गया है, आप देखेंगे कलर इसमें चेंज हो गया है, तो अब इसको निकाल लेते हैं और बाकी के जो और भी हमने बना के रखे हुए हैं उसको फ्राई कर लेते हैं। अभी कोफ्ते जो है स्टार्टर के लिए एक तरह से तैयार हो गए हैं, तो इसको चटनी के साथ या बच्चों को सॉस के साथ दे सकते हैं और इसको खाने में बहुत अच्छा भी लगता है। तो एक तरह से स्टार्टर तैयार हो गया है, लेकिन कुछ क्या करेंगे, हम निकाल देंगे स्नैक के लिए और कुछ को ग्रेवी लगा देते हैं। तो चलिए फिर अब ग्रेवी की तैयारी करते हैं। अब ग्रेवी बनाने के लिए मैंने इसमें सिर्फ तेल थोड़ा निकाल लिया है, ज़्यादा था, तो गैस को स्लो रखेंगे और थोड़ा सा डालेंगे एक चुटकी हींग, साबुत जीरा, तेज पत्ता और हरी मिर्ची डाल देंगे। हरी मिर्ची जब भी डालें, अगर आप खड़ा आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बीच से ऐसे चीरा लगा लें, जैसे हम तेल में डालेंगे तो छटक के ऊपर आ जाएगा। हरी मिर्ची डाल देंगे और कुछ सेकेंड के लिए इसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं। अब जैसे ही चटकने लगे जीरा और तेज पत्ता, वैसे ही जो हमने पेस्ट बनाया हुआ है प्याज का, वो डाल देंगे। अब इसको चला देंगे, गैस को अभी मीडियम कर देते हैं क्योंकि हमें इसको भुनना है। तो इसको चलाने के बाद से इसको हमें फिर से ढक के और इसको पका लेना है, जब तक कि प्याज अच्छे से भुन ना जाए। अब प्याज जो है थोड़े भुन चुके हैं, तो अब गैस को रखेंगे स्लो। अब हमें इसमें मसाले डालना है, हल्दी पाउडर ले लेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर और धनिया पाउडर डाल देंगे। स्वाद के हिसाब से नमक लेंगे, लेकिन नमक देख के डालेंगे क्योंकि हमने जो बनाया हुआ इसका कोफ्ता फ्राई किया उसमें भी डाला है, उसी हिसाब से नमक ले लेंगे। गरम मसाला बाद में डालेंगे और इसको चला के अब इसे अच्छे से चला देंगे, मिक्स कर देते हैं। अदरक लहसुन पेस्ट डाल देंगे और टोमेटो प्यूरी डाल देंगे। यहाँ पे आप टमाटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मसाले में लगभग सारे इसमें डाल चुके हैं, गरम मसाला लास्ट में डालेंगे। तो अब इसे क्या करेंगे, ढक के तब तक हमें भुनना है जब तक कि मसाले अच्छे से भुन ना जाए और तेल ना छोड़ दे। मसाले जो है बहुत अच्छे से भुन चुके हैं, ये किनारे किनारे पूरा जो है तेल छोड़ दिया है और टेक्सचर भी इसका बहुत अच्छा आ गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम गरम मसाला ऐड कर देंगे। गरम मसाला डाल के इसको चला देते हैं, अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब ग्रेवी बनाने के लिए इसमें हम पानी डालेंगे, तो पानी उसी हिसाब से डालेंगे जितना कि हमें ज़रूरत हो। पानी डालने के बाद से इसको एक बार चला देंगे और ढक के बस इसे हमें कम से कम 2 से 3 मिनट पकाना है। जैसे ही पानी में उबाल आ जाएगा फिर इसमें हम कोफ्ते डालेंगे। अभी ग्रेवी तो अच्छे से बन के तैयार हो गई है, पूरा इसमें आ गया है, जैसे कि टेक्सचर बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसी में क्या करेंगे, अब हम डाल देंगे जो ये हमने कोफ्ते बना के रखे हुए हैं वो डाल देंगे। अब इसको चला देंगे
और इसको हमें ज़्यादा अब नहीं पकाना है, बस क्या करना है इसको ढक्कन लगा के बस एक मिनट तक हमें पकाना है ताकि जो कोफ्ते हैं उसमें जो ग्रेवी है वो अच्छे से कोट हो जाए। कोफ्ता बनके तैयार हो गया है। यहाँ पे ध्यान देना यही रखना है कि जैसे हम कोफ्ते डालेंगे तो बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी ना पकाएं, बस एक से दो मिनट ही हमें ग्रेवी में पकाना है। लास्ट में कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी डालने के बाद से गैस को बंद कर देंगे। अब इसे सर्व कर देते हैं। देखा आपने, कच्चे केले से हमने दो दो रेसिपी बना दी। स्टार्टर भी हो गया और ग्रेवी वाला भी हो गया, मतलब आप स्नैक्स में भी खा सकते हैं, मेन कोर्स में भी काम आ गया और तैयारी जो है लगभग साथ में ही हो गई है। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से बन गया केले का कोफ्ता, जो हम स्टार्टर में भी ले सकते हैं, स्नैक्स में खा सकते हैं और इसका ग्रेवी लगा के हम उसके साथ प्रॉपर खाना भी खा सकते हैं। और बहुत सिंपल तरीके से बन भी जाता है जो चीज़ें, जो मसाले हमारे घर में होते हैं। और मैं तो ज़्यादातर से क्या हमेशा ही मसाले वही इस्तेमाल करती हूँ कि जो मैं घर पे बनाती हूँ। मैंने इसका डाला भी है इस अपने चैनल पे, मैं लिंक शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए, इसे ज़रूर ट्राई करिए, बहुत आराम से बन जाएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो आगे और रेसिपी देखने के लिए चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं न्यू रेसिपीज के साथ। थैंक यू।